किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियां, और ये ट्रॉलियां ही किसानों के लिए एक तरह से आशियाना बनी हुई हैं, और किसानों को ठंड से, इस बारिश से बचाने के लिए ये ट्रॉलियां ही काम आ रही हैं। दरअसल देखा जाए तो किसान को ये आदत होती है मौसम की मार से उबरने की, उसे झेलने की। मौसम की जो अलग अलग चुनौतियां हैं उन सब से किसान को निपटना, उनसे जूझना, उनके साथ तालमेल बिठाना आता है। आप देखिए किस तरह से भरपूर मात्रा में लकड़ियों का इंतजाम है ताकि किसी प्रकार की अगर जरूरत पड़ती है अलाव के लिए, खाना पकाने के लिए, या आप देखिए ये किस तरीके से टेंट को और मजबूत किया जा रहा है ताकि जो बारिश पड़ रही है, और कल तक का भी अनुमान है कि शायद कल भी इसी तरीके से बारिश पड़ेगी, तो इस बारिश का, इस मौसम का, इस प्रतिकूल परिस्थितियों का किसान सामना कर सके उसके लिए एक तैयारी लगातार चल रही है, और नए टेंट मंगवाए जा रहे हैं, नए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और ये पूरी मुहिम अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि किसान ने किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर एक पड़ाव डाला। ये जमावड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक है, ये किसानों की एकजुटता, क्योंकि ये किसी एक संगठन का अभियान नहीं है, किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है, इसमें कई प्रांतों के, कई किसान यूनियनों के, और कई ऐसे लोग जो किसी किसान यूनियन से नहीं जुड़े हैं, या कई ऐसे लोग जो अलग अलग समुदाय से हैं, वो सब इसमें शिरकत कर रहे हैं। और ये जो एकजुटता है, ये किसानों के संघर्ष का जो मादा है कि आज एक महीना और 8 दिन हो चुके हैं, ये लगातार दिन रात खुले आसमान के नीचे बारिश में, आंधी में, भीषण ठंड में, लेकिन ये अपने हौसले से, अपनी मांग से, अपने जो एक जज्बा है, एक जो ठाना हुआ है इन्होंने, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप देखिए बारिश थोड़ी सी थमी है तो लोगों में थोड़ी सी हलचल तेज हुई है, और लोग खाना बनाने के लिए, आगे के इंतजाम के लिए उसमें जुट गए हैं, और ये एक अलग ही नज़ारा है। ऐसा आंदोलन, टेंट की तादाद बढ़ गई है, जाहिर सी बात है जब बारिश पड़ रही है।